सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र 12। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। थ्रू निधि ध्यासनम कॉन्टेम्प्लेशन वन बर्न्स द बॉन्डेजेस द संसारा। निधिध्यासनम कॉन्टेम्प्लेशन मननम चिंतनम, चिंतनम से हम संसारा को बर्न करते हैं, अटैचमेंट बॉन्डेज जो है उसे नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ एक सिमिली ली गई है, एक एग्जाम्पल लिया है अरणिम का। आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज अरणिम। एक सिंपल सा है, पुराने जमाने में आग फायर कैसे क्रिएट करते थे, दो वुड को रब करके, बरोबर। तो वैसे यहाँ पर अरणिम है, ये अरणिम एक ऊपर का बेस, एक ऊपर वुडन पीस है और एक नीचे वुडन का बेस है। उस बेस में वो वुड रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं, चर्न करते हैं, और उस चर्निंग से, घर्षण से फायर इज क्रिएटेड। वैसे सो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, विच इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इट इज यूज अदर प्लेसेस ऑल्सो, इन आत्माबोधा ऑल्सो इट इज यूज। सो इससे ये पता चलता है कि उस समय वो लोग आग कैसे क्रिएट करते थे, मैच बॉक्स और नहीं हुआ करते थे उस समय। अरणिम वन्य जनकम मंत्र संस्कृतम कांडम काष्ठम। एक लकड़ी है वन्य जनकम, वन्य फायर, जो फायर क्रिएट करने के लिए वो जो लकड़ी यूज करते हैं वो। तो नीचे वाला जो बेस है वो सॉलिड है, स्ट्रांग है और वो स्थिर है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो है वो चर्न कर रहा है इस तरह से। तो जब ऊपर वाले को हम चर्न करते हैं तब फायर क्रिएट होती है उसके घर्षण से। द फायर इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चर्निंग। अभी यहां पे इस एग्जाम्पल में जो बेस है यहां पर लोअर वुड जो है, विच इज माइंड, व्हाट इज श्लोका इज सेइंग, आत्मा आत्मानम अरणिम कृत्वा, आत्मानम अरणिम कृत्वा। आत्मा यहां पे है माइंड, सो द माइंड इज द आत्मा विच इज अरणिम हियर। प्रणव च उत्तर अरणिम, जो प्रणव है वो उत्तर अरणिम ऊपर का भाग है, ऊपर वाला। सो ऑब्वियसली जो आत्मानम अरणिम है वो नीचे का बेस है यहां पे। सो देर इज अ हायर अरणिम लोअर अरणिम। लोअर इज योर माइंड, हायर इज प्रणवा ओमकारा, ओम जपा। नाउ
ओम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ वेदांता शास्त्र, इट इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ सोहम, सोह अहम, वो मैं हूं, उसका शॉर्ट फॉर्म ओम, सो हम से ओम, सो ओ अम रख लिया, सह अहम से ओम रख लिया। सो जब आप कॉन्टेम्पलेट करते हो ओम पे, विच वी हैव कवर्ड इन डिटेल इन फैक्ट, जब आप ओम पे कॉन्टेम्पलेट करते हो, यानी आप वेदांता शास्त्र वेदांता वाक्य पे निधिध्यासनम करते हो आप, तब तो वो एक चर्निंग है। और मांडुक्य में जैसे कहते हैं ओम जो सिंगल सिलेबल है, सिंगल सिलेबल साउंड है, वो बनता है तीन लेटर से, अ उ अम से बनता है सिंगल सिलेबल ओम। अ उ अम इंडिकेट करता है तीन अवस्थाएं, थ्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। अ रिप्रेजेंट्स वेकिंग स्टेट, उ रिप्रेजेंट्स ड्रीम स्टेट, अम रिप्रेजेंट्स डीप स्लीप स्टेट। Why a representing waking, not u, not am? क्योंकि जब आप अ प्रोनाउंस करते हो तो आपका पूरा जो साउंड है वो कंठ तक, नाभि से कंठ तक का पूरा कवरेज होके अ साउंड पूरा मैनिफेस्ट होता है। उ पार्शियली मैनिफेस्ट होता है, साउंड जो है पार्शियली मैनिफेस्ट हो रहा है। अम होठ बंद करके, यानी वो अंदर ही है साउंड आपका, पूरी बाहर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। सो फुल मैनिफेस्टेशन जो है वेकिंग स्टेट, पार्शियल मैनिफेस्टेशन उ ड्रीम स्टेट, अम जो है वो डीप स्लीप स्टेट। और ये चर्निंग करने से, यानी इंक्वायरी करने से, अ उ अम वगैरह, वेकिंग ड्रीम डीप स्लीप स्टेट, ये तीन स्टेट्स है, फॉर्चुनेटली तीन है, विल कम टू नो इन नेक्स्ट फ्यू वर्सेस, ये तीन स्टेट इसलिए कितना यूजफुल है हमारे लिए, अदरवाइज यू विल नेवर कम टू नो वॉट इज मोक्षा। मोक्षा के बारे में जो अगर ज्ञान मिलता है थ्रू दिस प्रक्रिया, वेकिंग ड्रीम डीप स्लीप प्रक्रिया से, अवस्थात्रय प्रक्रिया से, जो आपको मोक्ष का जो ज्ञान मिलता है, यानी मोक्ष का स्टेट क्या हो सकता है, वो अगर तीन स्टेट नहीं होते तो आपको कभी पता नहीं चलता। सो जब आप चर्निंग करते हो इस पे, कॉन्टेम्पलेट करते हो, ये तीन अवस्थाओं पे आप कॉन्टेम्पलेट करते हो, अ उ अम पे आप कॉन्टेम्पलेट करते हो, तो उस चर्निंग से नॉलेज मिलता है। जब आप यहाँ वुड पे चर्निंग करते हो तो क्या मिलता है, फायर, दैट फायर इंडिकेट्स नॉलेज। ज्ञान निर्मथनाभ्यासात, जब बार बार जब आप चर्निंग करते हो, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, बार बार रिपीटेड चर्निंग जब है, और जब वो परिपक्व होता है, जब वो हीट हो प्रोड्यूस होती है, और तब वहां पर ज्ञान उत्पन्न हो, ज्ञान मिलता है आपको। और वी कैन से तत् त्वम असी पदा पे चर्निंग, मीनिंग कोई भी आप यहां पे जो दिया है वो ओम के बारे में दिया है, प्रणवम मीनिंग ओम, और यू कैन टेक तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम। कॉन्टेम्पलेट आप किसी भी महावाक्य पे कर सकते हो, किसी भी वाक्य पे, वेदांतिक वाक्य पे आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो, निधिध्यासनम कर सकते हो, बट रिपीटेड श्रवणम, रिपीटेड मननम, रिपीटेड निधिध्यासनम इज रिक्वायर्ड यहाँ पर। यू कैन ऑल्सो टेक इट एज शरीर त्रयम, आप अवस्था त्रयम भी ले सकते हो, शरीर त्रयम भी ले सकते हो, शरीर त्रयम ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, कारण शरीरम, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी यानी ये जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हो, सटल बॉडी यानी माइंड बुद्धि मनस
और कॉजल बॉडी यानी बीज रूप जो आपके पर्सनालिटी है वो बीज रूप में जो है अव्यक्त रूप में है वो कॉजल बॉडी। एंड देन ही सेज दिस एवरीथिंग हियर इज ओम, बट वेदांत शास्त्र ऑल्सो सेज एवरीथिंग इज ब्रह्मन। ये तो दो बातें, ओम है या ब्रह्मन है। सो ओम इज ब्रह्मन, ओम रिप्रेजेंट्स ब्रह्मन, ओम इज द नेम फॉर ब्रह्मन एंड ओम इज द एप्ट नेम फॉर ब्रह्मन। वाई ए यू एम अ ओ अम विच रिप्रेजेंट्स विच शोज इंडिकेट्स ऑल थ्री स्टेट्स एंड बियॉन्ड थ्री स्टेट्स इज साइलेंस। सो लक्ष्यार्थ इज दैट साइलेंस। सिमिलरली वेकिंग ड्रीम डीप स्लीप स्टेट में जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं, जो ड्रीमर है डीप स्लीपर नहीं है। लेकिन जब आप जागरूक अवस्था में आते हो तो आप कहते हो कि हाँ मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे अच्छी नींद आई और जो मैं अभी अनुभव कर रहा हूं वो। सो आई कैन कनेक्ट ऑल थ्री एक्सपीरियंसेस एट ऑल थ्री लेवल्स, वेकिंग ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट। तो वो कौन है? दैट इज ब्रह्मन विच इज इंडिकेटेड बाय अ उ अम ओम 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 ओम। पहला ओम, दूसरा ओम, तीसरा ओम, इन दो ओम के बीच में जो साइलेंस है, बिना इस साइलेंस के ये साउंड अपीयर नहीं कर सकता। यू कैन हियर मी बिकॉज देर इज साइलेंस। लिखे हुए पेपर पे कोई क्या लिखेगा ना, वो समझ में नहीं आएगा। कोरे कागज पे आप लिख सकते हो, उसी तरह से साइलेंस में आप कुछ बोल सकते हो, कुछ सुन सकते हो। सो जो साउंड अपीयर्स और विजिबल ऑडिबल ओनली व्हेन देर इज साइलेंस। सो ओम रिप्रेजेंट्स ब्रह्मन एंड वी डू दिस चर्निंग। हु एम आई? अहम ब्रह्मास्मि तत् त्वम असि। अ उ अम वेकिंग ड्रीम डीप स्लीप से परे वो साइलेंस, वो अवेयरनेस कॉन्शियसनेस जो तीनों स्टेट में विद्यमान है और उससे परे भी है, वो मैं हूं। तो ये कॉन्टेम्पलेशन है यहां पर। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा कॉन्टेम्पलेट करने से कि मैं ब्रह्म हूं जानने से क्या होगा? व्हाट इज द फलम ऑफ दैट? पंडित पाशम दहति। पंडित जो ज्ञानी है वो दहति, इट बर्न्स। बर्न्स व्हाट? पाशम, बॉन्डेज। पंडित पाशम दहति। सो ज्ञानी बर्न्स दैट बॉन्डेज इज संसारा। हाँ, इग्नोरेंस इज द कॉज, नो डाउट। इग्नोरेंस इज द कॉज। सो नॉलेज मिल गया। नॉलेज कैसे मिला? चर्निंग से। बट एक मजे की बात आप देखो, फायर कहां क्रिएट हुआ? वुड में। फायर कहां क्रिएट हुआ? वुड में। कोई भी फायर है तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल कहां से आया? फायर कहां से आया? द फायर एंड फ्यूल बोथ आर देयर इन द वुड इटसेल्फ। फायर एंड फ्यूल बोथ आर देयर इन द वुड इटसेल्फ। जस्ट एज द घी, वेयर इट इज देयर इन द मिल्क। घी दूध में कहां पर है? है कि नहीं है? है। कहां है? किस कोने में? एवरीवेयर इट इज देयर। जो घी है वो हर जगह है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, मगर है। कब कैसे निकलता है? घी का प्रोसेस क्या है? सेम, चर्निंग करना पड़ता है। इन द प्रोसेस आप मिल्क लेते हो, मिल्क को हल्का गर्म करके उसमें जामुन डालते हो,
जामन डाल के बाद में उसको दही बनाते हो, दही बनाने के बाद में वो खट्टा होता है, उसको चर्न करते हो, चर्न करने के बाद जो बटर निकलता है उसको आप तपाते हो, वो तपने के बाद में वो घी में कन्वर्ट होता है। सो मिल्क क्या है? आपका माइंड। कैसा माइंड? वाइट प्योरिफाइड हेल्दी मिल्क, हेल्दी माइंड है, वीक माइंड नहीं है, हेल्दी माइंड है, प्योरिफाइड माइंड है, वाइट कलर है। लेकिन वो कैसा है? फ्लूइड है, बहता हुआ है, स्थिर नहीं है, चंचल है, अस्थिर है वो। फिर हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा तपाते हैं, लुकवॉर्म, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। जो हाइपर एक्टिव है या इनएक्टिव है उसके लिए नहीं है, जो बंदा हाइपर एक्टिव है या इनएक्टिव है उसके लिए नहीं है, यानी जो राजसिक है और तामसिक है उनके लिए नहीं है, जो सात्विक माइंड वाला है उनके लिए है। वो तपाने के बाद जब वो मिल्क तैयार होता है, थोड़ा सा वॉर्म है, लुक वॉर्म है, उसमें आप एक स्पून घी दही डालते हो, मिक्स करते हो, अच्छे से हिलाते हो, और फिर क्या करते हो? रात भर के लिए छोड़ देते हो। वो देखने नहीं जाते जमा कि नहीं जमा, जमा या नहीं जमा, वो देखने नहीं जाते हम। वैसे ही ये अज्ञानी है, क्योंकि अस्थिर है, चंचल है, इसको वो स्थिर स्थित प्रज्ञ का जो स्थिर ज्ञानम है, वो थोड़ा सा ज्ञानम, इतना पूरा ज्ञानम से थोड़ा सा ज्ञानम चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं चाहिए। वो उसमें मिक्स किया और हिलाया, ये हो गया श्रवणम। और उसके बाद वो श्रवणम के बाद उसको छोड़ दिया रात भर के लिए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो हो गया मननम। और द वी कैन से द लेटर पार्ट ऑफ श्रवणम, जो ड्वेलिंग टाइम होता है श्रवणम के बाद का, जो ड्वेलिंग टाइम है, जो हमने श्रवणम किया उसके बाद में ऐसा नहीं है सीधा जाके एक्टिविटीज में लग गए। अगर आप ऐसा करोगे तो जो कुछ सुना वो सब निकल जाएगा। तो जो ड्वेलिंग टाइम है वो श्रवणम के बाद का ड्वेलिंग टाइम है, वहां पर वो जो एक स्पून कर्ड हमने मिक्स किया वो पूरे दूध को कर्ड में बदल देता है, वो ज्ञानम एसिमिलेट हो गया। क्यों? क्योंकि कई घंटों तक उसका अपना ड्वेलिंग टाइम था, तो वो श्रवणम वहां पे पूरा हो गया। फिर उसको मथनम, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, आई एम नॉट बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, जो मैं समझते आया। सो निगेशन एसर्शन, निगेशन एसर्शन, निगेशन एसर्शन, निगेशन ऑफ व्हाट आई एम नॉट, एसर्शन ऑफ व्हाट आई एम इन ट्रू सेंस। देन कम्स द बटर, उस बटर को तपाना है, वो निधिध्यासन, वहाँ वो तपस, वो तप, वो निधिध्यासन, और वहाँ पे वो बन जाता है घी। और जो घी, ऐसा घी लॉन्ग लास्टिंग है, रिलेटिवली एवर लास्टिंग हम बोल सकते हैं। सो वो जो रिजल्ट है श्रवणम मननम निधिध्यासनम का, जो फाइनल रिजल्ट है वो एवर लास्टिंग है, वो ब्रह्म नॉलेज है, ब्रह्म विद्या है वहाँ पर। सो उसकी वजह से सारे पाशम, सारे अटैचमेंट, जो घी, जो दूध को फट फट जाते थे, दूध खराब हो जाता था एक दिन दो दिन में, वो दूध अब घी के रूप में कई सालों तक टिक सकता है। तो वैसे ही ये जो मथनम है, मथनम से यू ड्रॉप ऑल योर अटैचमेंट्स, बॉन्डेज, बाइंडिंग्स। सो ये जो फायर है, फायर ऑफ नॉलेज, नॉलेज मैं पूर्ण हूँ, मैं अपूर्ण नहीं हूँ, ये जो नॉलेज है ये इट बर्न्स द इग्नोरेंस दैट आई एम इनकम्प्लीट। और जो अगर मैं इनकम्प्लीट हूँ तो अपने आप को पूरा करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, दैट इज बर्न्ड।
टोटली, और अगर मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं हमेशा भागदौड़ में अटका हुआ हूँ। मंत्र 13, स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्ताय करोति सर्वम्, स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगैः। स एव जागृत परितृप्तिमेति। अवस्था त्रय, वेकिंग ड्रीम डीप स्लीप स्टेट, जागरूक स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं और हर एक व्यक्ति इन तीन अवस्थाओं से होके गुजरता है। और जो वेकर है, वेकिंग स्टेट जागरूक अवस्था में जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं है। एट अ टाइम आप एक ही अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, या तो वेकर या ड्रीमर या डीप स्लीपर, एक साथ में दोनों, दो या तीन, ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यहां पर आप अनुभव कर रहे हो, आप अपने इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हो, अपने मन से, फीलिंग से, इमोशंस से आप वो इमोशंस को महसूस कर रहे हो, आप अपने बुद्धि से बौद्धिक स्तर पे आप एंजॉय कर रहे हो। सो एट ऑल लेवल ऑफ योर पर्सनालिटी यू आर एंजॉइंग समथिंग और दी अदर थिंग्स एंड यू गेट कॉट अप, यू गेट इन्वॉल्व इन दैट। बट ये आपका इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर यही वेकर जब ड्रीम में जाता है, जब वो ड्रीमर बन जाता है, यही वेकर जब वो ड्रीमर बन जाता है, वो ड्रीम वर्ल्ड को एंजॉय करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे वो वेकिंग स्टेट को एंजॉय करता है। वेकर वेकिंग वर्ल्ड को एंजॉय करता है, वैसे ड्रीमर बन के वो ड्रीम वर्ल्ड को एंजॉय करता है, भोगता है। वेकिंग स्टेट में ये वेकर कहता है कि मैं आई एम 40 ईयर ओल्ड, ये मेरी हाइट है, ये मेरी विड्थ है, ये मेरा एजुकेशन है, ये मेरा जॉब है, इस कंपनी में मैं काम करता हूं, ये मेरे फैमिली है, पेरेंट्स है, वाइफ है, बच्चे हैं वगैरह जो भी है। और वो सॉलिडरिटी भी रहे कि ये सत्य है और यही सत्य है, मैं ये हूं। वो कभी ये जान ही नहीं सकता कि मैं जो अपने आप को ये समझ रहा हूं ये मैं नहीं हूं। सिंपल सा एग्जांपल है, आर यू अ फादर? यस। आर यू अ सन? यस। देन हु आर यू? इफ यू आर अ फादर एंड अ सन बोथ, ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप कौन है वास्तव में? आई डोंट नो। अगर मैं पूछूं कि आप फादर भी हो सन भी हो, दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। आप फादर भी हो, सन भी हो, एम्प्लॉई भी हो और किसी के बॉस भी होंगे, या आपके घर पे जो मेड है उनके एम्प्लॉयर है उनके लिए। सो हु आर यू? यू कैन नॉट डिफाइन दैट। मगर जब तक हम इसको एनालाइज ही नहीं करेंगे तब तक हम यही सोचते कि ये मैं हूं। ठीक है, चलो मैं ये कहता हूं कि ये फादर, मदर, फादर है, ब्रदर है, सन है वगैरह, ये सारे रोल जो है, आई एम अ ह्यूमन बींग, चलो, सो आई एम ऑलवेज अ ह्यूमन बींग, तो मैं एक ह्यूमन बींग हूं, उससे आगे कोई जा नहीं सकता, ऑल राइट। लेकिन यही वेकर जब ड्रीमर में जाता है, ड्रीमर बनता है, ड्रीम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है, एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस है उसके वहां भी। वेकर का ड्रीम वर्ल्ड में भी वही एक्सपीरियंस है, वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा वेकिंग स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यहां पे कहते हो 40 ईयर ओल्ड है, वहां भी वही कहते हो 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, कुछ भी,
यहाँ पे आप ये कहते हो ये मेरा एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो ड्रीम में भी बोलते हो दिस इज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दिस इज माई जॉब, दिस इज माई फैमिली, ये मेरा घर है, और आप 100% श्योर है इन द ड्रीम वर्ल्ड कि ये ड्रीम सच है। आप आर्ग्यू कर लोगे किसी से भी ड्रीम वर्ल्ड में कि ये ही ड्रीम सच है। और अगर ड्रीम में कुछ होता है अप्स एंड डाउन्स, इट अफेक्ट्स यू। अगर अचानक आपको लगा कि आपका कोई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वहां पे आपको डर लग रहा है तो आपको पसीना आ सकता है। बट अगर मान लो उस समय पे कोई शेर आपके ऊपर जंप करता है और आंख खुल जाती है, तो क्या आंख खुलने के बाद आप डंडा लेने जाओगे उस शेर को मारने के लिए? नहीं, तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं जाते? और अगर किसी ने पूछ लिया क्या हुआ, ऐसे हड़बड़ा के क्यों उठ गए? नहीं, पानी की प्यास लगी बस, और कुछ। यू फील ऑकवर्ड टू से ऑल्सो एक नाइटमेयर था, बिकॉज द मोमेंट यू वेक अप द होल ड्रीम वर्ल्ड, जो भी पूरा ड्रीम वर्ल्ड है, इट वैनिशेस एज मिथ्या। लेकिन ये नहीं है कि उसकी अनुभूति आपको नहीं है, अब वो डर नहीं रहा, वो बात अलग है, लेकिन वो अनुभूति आपकी रही है वहां पर भी। जब आप ड्रीम स्टेट में थे और आपने जो कुछ अनुभव किया और उसके बाद वो शेर आपके ऊपर जंप किया और आप झट से उठ गए उस समय उस डर की वजह से, वो अनुभूति है। लेकिन आपको उस अनुभूति के लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो ड्रीम वर्ल्ड स्वप्न वो एक मिथ्या जगत है। हमने उसको अनुभव किया है, वो मिथ्या जगत है। बट देर इज नो रियलिटी एंड आई डोंट हैव टू डील विथ इट। नो डाउट जो ड्रीमर था वो ड्रीम वर्ल्ड में रियल था, जो ड्रीम लायन था वो भी ड्रीम वर्ल्ड में रियल था, जो ड्रीम जंगल था वो भी ड्रीम वर्ल्ड के लिए रियल था। लेकिन जैसे ही वेकिंग स्टेट में आ गए तो क्या वो रियल है? नहीं है। एग्जैक्टली द सेम वे, जिस तरह से एक वेकर ड्रीम वर्ल्ड को देखता है, और वेकर के लिए ये जो ड्रीम वर्ल्ड है, स्वप्न है, ये एक मिथ्या है, उसी तरह से जब आप ये जो जागरूक अवस्था है वो एक ड्रीम वर्ल्ड की तरह ही है। जब आप इस जागरूक अवस्था से जाग जाओगे तुरियास्त अवस्था में, तब आपको पता चलेगा कि ये जागरूक अवस्था जिसके ऊपर हम इतना फस कर रहे थे, जिसके ऊपर हम इतना कंप्लेन कर रहे थे, जिसके अंदर हम इतना दुखी थे, सुखी थे, इंजॉय कर रहे थे, जो भी था वो सब मिथ्या है। उसी तरह से जिस तरह से स्वप्न में अगर हमारे करोड़ों की लॉटरी लग जाए, या हमारा नाम शोहरत जो हमें चाहिए वो मिल जाए, या हमारे ऊपर शेर कूद जाए, वो सभी मिथ्या थे। ये कौन कहता है? वेकर। और वेकर ही कह सकता है। क्या ड्रीमर कह सकता है ये बात? नहीं, ड्रीमर के नॉट से कि ये सब मिथ्या है, वेकर कह सकता है कि वो मिथ्या है। उसी तरह से जब आप इस अवस्था को पार करते हो, जागरूक अवस्था को, तो ये अवस्था आपके लिए मिथ्या है। और अगर ये तीन अवस्थाएं नहीं होती तो आप कभी ये बता नहीं सकते थे कि भाई ये डिफरेंस क्या है। सुषुप्ति, जहां पे पूरी अवस्था में सब कुछ अनमैनिफेस्ट चला जाता है, तो प्रलय के बाद ये जो निद्रा है ये आपका प्रलय है,
इंडिविजुअल का प्रलय है, लय है, ये प्रलय नहीं, ये लय है। लेकिन जब समष्टि पूरी निद्रा में चली जाती है उसको हम कहते हैं प्रलय। सो जब तक, तो यही है ये श्लोक का ये मंत्र और नेक्स्ट मंत्र इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग नाउ, कि जिस तरह से एक वेकर के लिए पूरा ड्रीम जगत जो है वो एक मिथ्या है, उसी तरह से वेकिंग स्टेट के ऊपर जो है, परे जो है, वो सत्यम है। और वेकिंग स्टेट भी ड्रीम जगत की तरह, हम ये नहीं कहते ये भी ड्रीम ही है, नहीं, ड्रीम जगत की तरह ये भी मिथ्या है। अब एक फर्क क्या है कि ड्रीम स्टेट में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, वहां पे कोई ज्ञान देने वाला नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, वहां अलार्म है, वहां टाइगर है, वहां नाइटमेयर है जो आपको जगा सकता है। यहां पर टाइगर यानी आपके अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख, फिर आप सोचोगे कि ये सुख दुख क्यों है, इसका उपाय क्या है, इसका उपचार क्या है। अलार्म, द टीचर इज योर अलार्म, जो बजते रहते हैं, कभी ना कभी तो आंख खुलेगी। हम स्नूज में लगा देते हैं, हर संडे को सुनते हैं, वीकली स्नूज में लगा दिया। ये नेक्स्ट दो मंत्र का बैकग्राउंड है यहाँ पर। और जो वेकिंग स्टेट है और ड्रीम स्टेट है, दोनों लगभग सिमिलर जैसे हैं। ये कौन कह सकता है कि वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट लगभग सिमिलर है? जो वेकिंग स्टेट से जाग गया तुरिया में वो बोल सकता है, और कोई नहीं। यानी जो ब्रह्मवित है वो बोल सकता है। तीनों मिथ्या है, वेकिंग भी मिथ्या है, ये तीनों मिथ्या है, क्योंकि तीनों टेम्पररी है। यू एज्यूम आई एम अ वेकर, यू एज्यूम आई एम अ ड्रीमर, यू एज्यूम आई एम अ डीप स्लीपर। हु इज एज्यूमिंग? द पॉइंट इज हु इज एज्यूमिंग, दैट इज कॉन्टेम्पलेशन। ये वेकर में, वेकिंग में आया कौन, ये ड्रीम में आया कौन, और आया कहां से? कस्त्वम कोहम कुत आयात कामे जननी कोमे तात। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है? बाहर जाके किसी को सवाल नहीं करना, ये बोलेंगे आपको कहां जाना है वो हमको पता है, कहां से आए वो नहीं पता है। ये प्रपंच है, ये फंसे हुए हम इसमें सब। सह एव आत्मा, सह एव आत्मा, ये आत्मा, ये मैं, कोई और नहीं, वो ही है, वही ब्रह्म है। आई एम नन अदर देन दैट परमात्मा, मैं उस परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। सो दिस आत्मा इज दैट ब्रह्म, दैट इज सेम। दिस पूर्ण, दिस इज ऑल्सो पूर्ण, दैट इज ऑल्सो पूर्ण, दिस पूर्ण हैज कम फ्रॉम दैट पूर्ण। बट अगर ये वही ब्रह्म है तो भाई आप लिमिटेड क्यों समझते हो अपने आप को? आप इतना मुड़मुड़ मुड़मुड़ क्यों करते हो, रोते क्यों हो, जिंदगी में ये हो गया, जिंदगी में वो हो गया? माया परिमोहिता, बिकॉज डिल्यूडेड बाय दिस माया, ये मायावी शक्ति है, माया देवी की शक्ति है ये। बिकॉज ऑफ दिस माया, और माया में दो बातें हैं, यहां पे दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, दूसरा है विक्षेपक शक्ति। माया की दो शक्तियां, आवरण विक्षेपा। आवरण यानी जो वास्तविकता है उसको कवर कर दिया, जैसे अगर आप किसी को भी दिखाओ और बोलो ये क्या है, क्या कहेंगे? बोतल है, ये माया है, इसको बोतल को देखना इसमें माया है। वास्तविकता क्या है? प्लास्टिक। भंगार वाले के पास चले जाओ, वो बोतल नहीं देखेगा,
बोले साहब अब भी 200 रुपए की बोतल में खरीद के ला, पैक है 20 रुपए किलो, 100 ग्राम है, बस 2 रुपए की है। मैं 200 रुपए की लाया हूँ भाई, 2 रुपए मिलेंगे, देना है तो दो। बिकॉज ऑफ दिस माया आई आइडेंटिफाई विद द नेम एंड फॉर्म विद द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। ये माया की वजह से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ शरीर मन बुद्धि से, और जिसकी वजह से मैं ये समझ बैठा कि मैं ये जीवात्मा हूँ, मैं लिमिटेड हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं ब्रह्म हूँ, पूर्ण हूँ, मैं लिमिटेड नहीं हूँ यहाँ पर। सो आवरण शक्ति है जो कवर करती है आपके सत्व गुण को, और विक्षेप शक्ति है जो मॉडिफाई कर देती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं वगैरह, आई एम लिमिटेड, इनकम्प्लीट वगैरह, ये विक्षेपा मॉडिफिकेशन प्रोजेक्शन, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो वैसे। सो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, विक्षेप शक्ति। मैं सुखी, मैं दुखी, कभी कभी सुखी, कभी कभी दुखी, कभी कभी बहुत बहुत दुखी। मैं करता, मैं भोगता, भोगता स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोग ही भोगा एट ऑल लेवल्स, ऑल सेंसेस लेवल्स, स्त्री और मैन इधर वे, और फैमिली, आई कांट लिव विदाउट, एट इमोशनल लेवल, एट फिजिकल लेवल, एट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑल्सो फैमिली। सो आई एक्सपीरियंस भोगा एट ऑल लेवल्स, इंद्रिय लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, और ये भोग करके मुझे ऐसा लगता है मैं परितृप्त हो गया, जागृत परितृप्ति में थी, ये भोग करके मुझे ऐसा लगा कि मैं परितृप्त हो गया। फिर वो परितृप्ति कब तक रहती है, सब डोसा खाके हो गया अब नेक्स्ट क्या, सुबह का हो गया नाश्ता, ओवर, एंजॉय किया, अच्छा था, अब नेक्स्ट क्या। परितृप्ति टेम्पररी, इट गोज ऑन एंड ऑन एंडलेसली, और वो परितृप्ति वास्तव में कभी नहीं होती। तो ये जो वेकिंग स्टेट जागृत अवस्था है, ये आप इसको समझ लो महास्वप्न, बड़ा स्वप्न ये। इस महास्वप्न में एक और स्वप्न है जिसको हम स्वप्न कहते हैं। तो ये महास्वप्न जो है जागृत अवस्था, यहां ईश्वर की माया शक्ति है जिसकी वजह से वेकर जो है डिल्यूडेड है पूरी तरह से। ये ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर की माया है यहां पर, इसमें वो डिल्यूडेड है, और ये वेकर प्रोजेक्ट करता है एक और मायावी जगत, एक और स्वप्न अवस्था। और वो किसकी माया से प्रोजेक्ट करता है, ईश्वर की माया से नहीं, स्वमायाया, अपनी माया से वो प्रोजेक्ट करता है उस जगत को। और ये जो वेकर है जिसने, जो ईश्वर है उस जगत का, बट ये वेकर बिकॉज ऑफ दिस माया शक्ति इट लूजेस द साइट ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी और सत्यम, एंड इट बिकम्स द क्रिएटर, बिकम्स द क्रिएटेड ड्रीमर। तो ये जो वेकर है वो बन जाता है ड्रीमर, शेर बन गया चूहा। नहीं आप बोलोगे सर जागृत अवस्था में वो चूहा था, स्वप्न में शेर है। तो ये जो वेकर है ये बन जाता है वहां पे ड्रीमर, देन ही इंजॉयज दैट ड्रीम वर्ल्ड। इन द ड्रीम वर्ल्ड श्री अन्न पान आदि विचित्र भोग ही इंजॉयज दैट, बट विच वॉट फॉर्म, इन द ड्रीम फॉर्म।
ड्रीम जगत में ड्रीम ऑब्जेक्ट वो इंजॉय करता है, जिस तरह से वेकिंग वर्ल्ड में वेकिंग ऑब्जेक्ट जो है अपने इंद्रियों से वो इंजॉय करता है, वैसे ही ड्रीम जगत में ड्रीम ऑब्जेक्ट को ड्रीमर इंजॉय करता है। वेकर का ही प्रोजेक्शन है वो ड्रीम वर्ल्ड, देन दैट क्रिएटर हिमसेल्फ बिकम्स द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एज अ ड्रीमर एंड ही लूजेस द साइट ऑफ द वेकिंग स्टेट। सिमिलरली दिस वेकर हैज लॉस्ट हिज ट्रू नेचर, लॉस्ट इन द सेंस फॉरगॉटन हिज ट्रू नेचर एंड लॉस्ट इन दिस मायावी जगत। एग्जैक्टली सिमिलरिटी है, जिस तरह से ये जो वेकर है ड्रीमर बन जाता है, उसी तरह से ये जो मुक्त पुरुष था, वास्तव में यू आर अ फ्री पर्सन, वास्तव में यू आर ब्रह्म, बिकॉज ऑफ द माया शक्ति यू एज्यूम योर सेल्फ एज द वेकर एंड द वेकर एज्यूम्स हिमसेल्फ एज द ड्रीमर। सो वेकर इज पैरेलल टू सिमिलर टू ड्रीमर, वेकिंग स्टेट इज सिमिलर टू ड्रीम स्टेट, वेकिंग एक्सपीरियंस इज सिमिलर टू ड्रीम स्टेट। देयरफॉर जो ड्रीम स्टेट की रियलिटी है वेकर के लिए, और वो क्या है कि ड्रीम स्टेट मिथ्या है, उसी तरह से ये वेकिंग स्टेट मिथ्या है, जिस तरह से ये वेकर माया के जाल में फंसकर ड्रीमर बन जाता है, उसी तरह से ये ब्रह्म है जो मायावी माया की वजह से आपको लगता है ये लिमिटेड है, बट वास्तव में ये परम ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म है जो माया की वजह से ऐसा लगता है कि लिमिटेड हो गया, बट वैसा है नहीं। माया और अविद्या सिनोनिम्स, बोथ आर सिनोनिम्स। सो जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, वास्तविकता ये है। सो ब्रह्म, दैट ब्रह्म इट्स लाइक द बल्ब कवर्ड विद द रेड ग्लास, इट प्रोजेक्ट्स अ रेड कलर लाइट। द बल्ब विच इज कवर्ड विद द ब्लू ग्लास, इट प्रोजेक्ट्स द ब्लू कलर। सिमिलरली दिस ब्रह्म कवर्ड विद दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एज आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द बुद्धि। सेम ब्रह्म, रिमूव द कवरेज, इट इज द प्योर ब्रह्म। सो बिकॉज ऑफ द माया दैट ब्रह्म विच इज अकर्ता अभोक्ता बिकम्स कर्ता एंड भोक्ता, सेम वे दिस वेकर बिकम्स ड्रीमर कर्ता भोक्ता, लूजेस इट सेल्फ। मंत्र 14, स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, स्वप्ने स जीव नहीं है, स्वप्ने स जीव सुख दुख भोक्ता, बिकॉज ऑफ विसर्गा, बिकॉज ऑफ द विसर्गा फॉलोड बाय सकारा, दैट विसर्गा बिकम सकारा। सो जीव सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूत सुख रूपमेति, तमो विभूत सुख रूपमेति। अगेन भूतस, ओके, नाउ जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी, स्वप्ने सह जीव स्वमायया कल्पित जीव लोके सुख दुख भोक्ता, वह जीव इन स्वप्न, स्वप्ने इन स्वप्न इन ड्रीम, स्वमायया अपनी खुद की माया शक्ति से कल्पित जीव लोके, कल्पित जीव लोके जो अपना खुद की माया से जो प्रोजेक्ट किया ड्रीम वर्ल्ड, ही इंजॉयस सुख दुख देयर, ही बिकम्स अ सुख दुख भोक्ता। नाउ द सेम ब्रह्मन जो वेकर था, अब वेकर से ड्रीमर पे आ गया, और अब
जो वर्चुअल रियलिटी है उसका क्या? देखो ये बोलना कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर कि ये जो आप जगत देख रहे हो ये वेकिंग स्टेट इट्सेल्फ इज एज गुड एज ड्रीम वर्ल्ड। अब जब वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी तो आप वर्चुअली यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, उसे आप बात कर सकते हो वगैरह वर्चुअली। तो वो जो माया को आप रियलिटी में लेके आ रहे हो, साइंस उल्टी दिशा में जा रहा है। वर्चुअल रियलिटी को लेके आना यानी जो वर्चुअल है उसको रियलिटी में लेके आना, और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जो सीमिंगली रियलिटी आपके लिए वो एक्चुअली वर्चुअल है। वी आर गोइंग वन स्टेप डाउनवर्ड। बी केयरफुल। सिंपल एग्जाम्पल तो मोबाइल है, टीवी है, सिनेमा है, 3D पिक्चर है। ये जो है स्वप्न, इसको हम कहते हैं जीव सृष्टि, और ये जो वेकिंग स्टेट है इसको कहते हैं ईश्वर सृष्टि, क्रिएटेड बाय ईश्वर, ईश्वरस माया, एंड दिस इज सब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव जगत। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखरूपम एति। सो वेकिंग स्टेट हो गया, ड्रीम स्टेट हो गया, ड्रीम स्टेट के बाद में गोज टू सुषुप्ति, डीप स्लीप स्टेट, और वहां क्या एक्सपीरियंस करता है? नथिंगनेस, कुछ नहीं। और वो नथिंगनेस गिव्स हिम आनंदा, ब्लिस, दैट ब्लिस शीत इज दिस आनंदा स्वरूप, विच इज अगेन टेम्पररी बिकॉज ही हैज टू कम बैक टू वेकिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेट। सो ड्रीम स्टेट में आवरण शक्ति विक्षेपा शक्ति दोनों हैं, डीप स्लीप स्टेट में केवल आवरण है, देर इज नो विक्षेपा, नो मॉडिफिकेशन, नो मैनिफेस्टेशन फॉर द मोर। सो वन इज रिमेन्स इग्नोरेंट, टोटली एब्सोल्यूट इग्नोरेंट इन डीप स्लीप, इट इज द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट तमस। राइट, वी विल कंक्लूड हियर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।